पीलीभीत की थाना सुनगढ़ी पुलिस ने पुलिस का सिरदर्द बने इनामी व गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को एक अवैध तमंचे व चार कारतूस सहित गिरफ्तार किया। आरोपी काफी समय से फरार था, दीपावली के लिए मौके पर घर आया हुआ था। एसपी ने मामले का खुलासा कर गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया है। एसपी बलेंदु भूषण सिंह के दिशा निर्देश पर अपराधियों व वांछितों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सुनगढ़ी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस के लिए सिरदर्द बने एक 25,000 के इनामी बदमाश और गैंगस्टर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के गांव रूपपुर कृपा निवासी धर्मपाल पुत्र रामपाल पर थाना सुनगढ़ी में गैंगस्टर सहित संगीन अपराधों पर 5 अभियोग दर्ज हैं, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। एसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एसपी के निर्देश पर थाना सुनगढ़ी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी कि एक मुखबिर की सूचना पर थाना सुनगढ़ी पुलिस ने क्षेत्र के शंकर साल्वेंट के पास रास्ते पर घेराबंदी कर इनामी बदमाश धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए हैं। आज एसपी बालेंदु भूषण सिंह ने मामले का खुलासा कर गिरफ्तार इनामी बदमाश को जेल भेज दिया है। पकड़ा गया किस तरह का है? सोनगढ़ी थाने में एक पुरस्कार घोषित अपराधी 2 साल से फरार था, धर्मपाल पुत्र रामपाल, और सोनगढ़ी पुलिस ने प्रयास करके इसकी गिरफ्तारी कर ली। 2 साल से पुलिस से छिप करके भगा था, 25,000 का इनामिया था और इसके ऊपर कई मुकदमे जो है पूर्व से वर्ष 2016 और उसके पहले के पंजीकृत हैं और ये साथी नकबजन और चोरों का जो है सरगना है। सोनगढ़ी पुलिस का ये कार्य बहुत ही सराहनीय रहा और इनको 25,000 रुपये का पुरस्कार जो पहले स्वीकृत है उसको प्रदान किया गया।